अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। सो टुडे आई विल टेक यू थ्रू द जर्नी थ्रू माई डे, बट फर्स्ट लेट मी शो यू समथिंग रियली कूल, अ टॉय रेस कार दैट आई बिल्ड। इफ़ यू वॉच द प्रीवियस व्लॉग तो आपको पता होगा कि वी बॉट अ मैकोटेक, इट वॉज लाइक अ टॉय मैकोटेक थिंग। सो दिस इज़ द सेकेंड मॉडल दैट वी बिल्ड फ्रॉम देट। दिस इज़ अ रेस कार एंड इसमें बहुत ज़्यादा वक्त गया मेरा, लेकिन इट वॉज रियली फन टू बिल्ड इट। It's made of nuts and bolts and it's amazing. It's fully functional. But enough of the car. Let me show you what else I've been up to. Right now it's iftar time और मेरी family और मैं सारे dishes को ready कर रहे थे। हमने बहुत सारे चीज़ बनाए, obviously हमने समोसे थे, पकौड़े बनाए और वड़े थे और fruits भी थे। ये मेरे पापा जो आप देख सकते हैं वो आश, उसको आश बोलते हैं, वो बैंगलोर के फेमस ये है डिश ड्रिंक। माय फादर गेट्स इट रेगुलरली एंड इट्स वेरी टेस्टी। यू कैन सी माय ब्रदर, ही स्टिल प्लेइंग डाउन। उसे किसी की भी होश नहीं रहती, उसके रोज़े इफ्तार कुछ किसी की होश नहीं है, बस उसे खेलना होता है फुटबॉल 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 और कुछ नहीं आता उसे। Iftar time is a special time for us Muslims, as it is when we break our fast during the month of Ramzan. It's a time where the family, food and friends come together and enjoy the time. And speaking of food, I'm in the kitchen with my grandmother right now. She's teaching me how to make kofte ka salan. It is ये मैं बहुत पहले बना चुकी हूँ तो मैं भूल गई थी, that's why she's like re-teaching me how to make it. As you can say that again. पहले oil, put oil और उसको गर्म करने के लिए रख दो, फिर जब oil गर्म हो जाए तो तब उसमें onions डालो and saute it. Till it gets like a nice golden brown color. अगर ऑयल कम पड़ जाए तो और थोड़ा ऑयल डाल दीजिए। यहाँ पे मीट बॉल साइड में रख दिए ताकि लेटर स्टेज में डाल पाए। कीप मिक्सिंग द ऑनियन सो दैट इवनली अच्छे से कुक हो जाए। जब अनियन में डिज़ायर्ड कलर आ जाए तो तब रेड चिल्ली पाउडर ऐड कीजिए। हमने यहाँ पे 3.5 टेबल स्पून ऐड किया है, बट आपकी मर्ज़ी, आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना डालें। डोंट फॉरगेट टू कीप मिक्सिंग द मिक्सचर सो दैट इवनली हर जगह स्प्रेड हो जाए। After adding red chili powder, add your kofte और उसको अच्छे से mix कीजिए।
फिर डालिए जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा पानी ताकि अच्छे से पक सके। यहाँ पे आप गरम मसाला डालें, धनिया पाउडर डालें, हल्दी डालें ताकि इसका अच्छा फ्लेवर आए और कलर भी आए। सॉल्ट टू टेस्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं मतलब सेकंड बार शायद बना रही हूँ तो मुझे ज़्यादा उसका क्वांटिटी का पता नहीं, इसलिए मेरी दादी मदद कर रही थी। फिर जो टोमेटो और कोकोनट का पेस्ट था वो आप ऐड कीजिए। हमने पहले ही टोमेटो और कोकोनट का पेस्ट तैयार करके रखा था, उसमें बस टोमेटोस, कोकोनट और थोड़े जीरा डाले थे और फिर उसको इस मिक्सचर में मिला दिया। मिक्स इट वेल। जब भी अगर बहुत मिक्सचर गाढ़ा लगने लगे तो थोड़ा पानी डालें ताकि अच्छे से कुक हो जाए और उसका फ्लेवर भी उभर के आए। अगर आपने पहले सॉल्ट नहीं डाला तो आप डाल दीजिए। जब मैंने पहली बार बनाया था तो मेरी मम्मा सिखा रही थी, तब मैंने सॉल्ट लास्ट में डाला था, लेकिन ये जो मेरी दादी सिखा रही है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हाँ टेस्ट भी अच्छा था उसका। सब कुछ डालने के बाद फिर अपना ढक्कन बंद कर दे और उसे कुक करें और 10 मिनट तक कुक करें। हमने उसको कुक होने दिया 3 विसल तक। हम तो विसल से देखते हैं, टाइम तो देखते नहीं है, लेकिन हाँ 10 मिनट्स तो हो गए थे। जब तक डिश पक रही है आप अपना किचन क्लीन कीजिए, क्योंकि साफ़ किचन किसे नहीं पसंद होता। सब यही टाइम होता है जब हम अपने किचन को साफ़ कर सकते हैं, सो दैट वी कैन, अगर कोई दूसरी डिश बनानी हो तो उसमें ले सारा अच्छा। कभी कभार सीटी जल्दी हो जाती है, देर से हो जाती है, तो इसलिए आप टाइम ही देखा करें। हमने 10 मिनट तक किया था तो नोट कीजिए कि हमने पानी अभी नहीं डाला है, पहले हमने मिक्सचर को कुक किया है, फिर जब 10 मिनट्स के बाद जब 3 विसल्स हुए हमारे केस में तब पानी डालना। पानी के साथ अब मिक्सचर कुक होने के बाद आप अपने 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 हिसाब से पानी डालना। कभी भी गर्म पानी डालना चाहिए, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए हमने भी गर्म पानी ही डाला और फिर उसको थोड़ी देर कुक करे, बॉईल करे और फिर उसमें फाइनली कोरिएंडर लीव्स डाले और थोड़ा सा लेमन डाले, लेमन का जूस। ये किसमें पानी डालने का गर्म पानी हमारे क्या करते हैं, गर्म पानी कैसे गर्म करना जस्ट आता सा बाद में जरा नींबू डालना एक आधा, अपने अपने मर्जी कितना खा के आता, आधा खाओ ज़्यादा डाल ज़्यादा टेस्ट आता, ये कम डाल कम टेस्ट आता। बस ले दूसरा परोठे करेंगे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द खाने का सालन वी आर मेकिंग फ्रेंच फ्राइज विच इज़ माई फेवरेट। तो हमने घर में बनाया था, यहाँ पे मैं उसे थिन स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। ये बनाना बहुत सिंपल है, बस इसको कट करो, पानी में रखो, फिर थोड़ी देर बाद उसको पोंछ के उसको फ्राई कर दो। कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। फॉर बेटर टेस्ट ऐड कॉर्नस्टार्च एंड दो बार उसको तलना चाहिए। यहाँ पे मैं फ्रेंच फ्राइज के लिए भी पोटैटोस कट कर रही थी और पकौड़ों के लिए भी। पकौड़ों में थोड़ा आलू होता है तो वो भी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मेरी मम्मा तल रही है फ्रेंच फ्राइज, साथ ही मेरी दादी रोटी बना रही थी। जब तक फ्राई कीजिए, जब तक थोड़ा सा लाइट येलो गोल्डन कलर ना आए, फिर निकाल दीजिए और थोड़ा सा, और फिर थोड़ी देर के बाद फिर तल दीजिए फ्रेंच फ्राइज को। और लास्ट में सॉल्ट स्प्रिंकल कीजिए। और अगर आपको मसालेदार वाला फ्रेंच फ्राइज पसंद है तो आप अपने हिसाब से उसमें मिर्ची, धनिया पाउडर, जो भी है आपको स्प्रिंकल करना है उसमें आप मसाले डाल दीजिए। यहाँ पे साइड रात में पकौड़े भी बनाए थे तो वो भी तैयार हो गए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह डिनर इज़ रेडी। हमने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी के साथ जो मेरा कोफ्ते का सालन था वो अंडे और फ्रेंच फ्राइज पकौड़े। अबू भी बाहर से आश लाए थे जो विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज़ लाइक बैंगलोर फेमस ड्रिंक आश। तो सब लोग बैठ रहे हैं और फिर आप इफ्तार टाइम का वेट कर रहे हैं अजान होने की, ताकि हम अपना फास्ट खोल सकें। यहाँ पे अजान हो चुकी है और सब लोग अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हैं। मुझे ज़्यादातर फ्रूट से अपना फास्ट खोलना अच्छा लगता है। ऑब्वियसली पहले डेट तो खाया था खजूर, अब मेरा फेवरेट फ्रूट मस्क मेलन है तो मैं ऐसे ज़्यादातर मैं ही ख़त्म कर देती हूँ, कोई फैमिली मेम्बर खाते नहीं है ज़्यादा। मैं बस वही वेट कर रही थी कि कब नमाज़ पढ़ के कब फ्रेंच फ्राइज़ खा लूँ मैं और फरहान, क्योंकि अगर देर होगी तो फिर वो ठंडा पड़ जाएगा। And that's it for my day. It's been a busy and productive one with lots of family time, cooking and fun. I hope you enjoyed the video. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to the channel. I'll see you next time. Allah Hafiz.